नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। DSSB की तरफ से 5 नए नोटिस जारी किए गए हैं और पांचों बड़े ही अच्छे नोटिस हैं, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं पांचों नोटिसों को बिल्कुल विस्तार से। ये है पहला नोटिस। मार्क्स जारी कर दिए गए हैं PGT कॉमर्स फीमेल पोस्ट कोड 24/20 के। 29 जुलाई 2021 को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। 32 वैकेंसियां थी, 3274 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। इनमें से 2150 कैंडिडेट एग्जाम को पास कर पाए हैं। इनमें से 86 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे इन कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आप देख लीजिएगा, अनरिजर्व की कट ऑफ 216.1, OBC की 186.86, SC की 182.3, ST की 92.8, PHOH की 142.62 और VH की 143.64। सबसे हाई कट ऑफ में से एक ये कट ऑफ गई है 216.10 अनरिजर्व की कट ऑफ। बाकी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है, 18/10/2021 से और 1/11/2021 तक। इसके बाद अगला नोटिस, EVGC फीमेल पोस्ट कोड 36/20 के मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं और कैंडिडेट्स को ईडोजियर अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। टोटल 118 वैकेंसियां निकाली गई थी EVGC फीमेल की। इनका एग्जाम 30 जुलाई 2021 को कंडक्ट कराया गया था। 118 वैकेंसियों के लिए केवल 859 कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया था ऑनलाइन मोड में। अब इन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। ये कैंडिडेट DSSBonline.nic.in पे अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। टोटल 165 कैंडिडेट ही एग्जाम क्लियर कर पाए हैं। इनमें से 116 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और कट ऑफ रही है कुछ इस प्रकार से, अनरिजर्व 137.46, OBC 105.85, SC 90.80, ST 92.81 और कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है 15 दिन का, 18/10/2021 से और 1/11/2021 तक का। आज का अगला नोटिस, नोटिस नंबर 1252, लोअर डिवीजन क्लर्क दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पोस्ट कोड 8/19 से जुड़ा हुआ। यहाँ कुछ ये कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है जिनका रोल नंबर यहाँ दे दिया गया है और रिमार्क्स में उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो अभी पेंडिंग में है। तो इन कैंडिडेट को ये डॉक्यूमेंट और अपलोड करने होंगे और इन्हें ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है 14/10/2021 से और 18/10/2021 तक का। इसके बाद चौथा नोटिस, मार्क्स जारी कर दिए गए हैं PGT हिंदी मेल पोस्ट कोड 68/20 के। तो ये अपडेट मैं वैसे कल भी आपको प्रोवाइड करा चुका था, बाकी इस वीडियो में भी आप देख लीजिए अगर कल आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। 18/7/2021 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। 111 वैकेंसियां थी, 4651 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया ऑनलाइन मोड में। अब इन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। कैंडिडेट DSSBonline.nic.in पे अपने अकाउंट में विजिट करके लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। 4651 में से 4134 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम को पास कर पाए हैं। इनमें से 265 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे इन कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। देख लीजिए, अच्छी खासी कट ऑफ गई है इनकी भी। EWS की कट ऑफ 199.24, अनरिजर्व की 209.6, OBC की 163.64, SC की 195.96, ST की 190.02, PH में OH की 190.23 और VH की 167.07। और यहाँ कैंडिडेट को समय दिया जा रहा है 14/10/2021 से और 28/10/2021 तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, मतलब आज से ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। कब तक? 28/10/2021 तक। इसके बाद अंतिम नोटिस, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग पोस्ट कोड 123/14 से जुड़ा हुआ। तो यहाँ ये ओबीसी कैटेगरी से 2 कैंडिडेट हैं, इनके ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग में हैं। ये अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं 14/10/2021 से और 18/10/2021 तक। तो ठीक है दोस्तों, ये 5 नए नोटिस DSSB की तरफ से जारी किए गए थे जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किए गए। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें और DSSB की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं DSSB की किसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।